बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बिजनेस फाइनेंस। टुडे वी आर कंडक्टिंग अ फोर्थ लेक्चर। आई एम योर इंस्ट्रक्टर सैयदा रूजनाथ। क्लास, एज यू नो, इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस इंक्लूडिंग सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कॉरपोरेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द हाउ टू मेक डिसीजन इन चूजिंग द राइट काइंड ऑफ बिजनेस। इन टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दीज टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। सोल प्रोप्राइटरशिप, द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप is the sole proprietorship. Sole proprietorship is a business owned and run by someone for their own benefit. The business existence is entirely dependent on the owner's decision. So when the owner dies, so does the business. Sole proprietorship, jaisa ki iske naam se hi pata chal raha hai, sole means single and proprietorship business. Single owner business jo hota hai usko hum sole proprietorship kehte hain. इसमें जो सिंगल ऑनर है उसी का कंट्रोल होता है उस बिजनेस के ऊपर और उसी के सारे रिसोर्सेस होते हैं, सारे प्रॉफिट्स एंड सारे लॉसेस का वो अकेला लायबल होता है। उसमें किसी की शेयरिंग नहीं होती, किसी सेकंड पर्सन की, थर्ड पर्सन की, किसी की भी शेयरिंग नहीं होती उन सब प्रॉफिट्स के अंदर, उस सब लॉसेस के अंदर। बट सोल प्रोप्राइटरशिप का एक ड्रॉबैक ये है कि अगर इन केस ऑनर जो है उसकी डेथ हो जाती है तो बिजनेस जो है वो भी खत्म हो जाता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में आप किसी को ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकते और दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस दैट एनीवन कैन एस्टेब्लिश। इसके लिए कोई स्पेशल रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग, सर्टिफिकेट्स, फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन इस सब की जरूरत नहीं होती। बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप है। इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। सबसे पहले इसके एडवांटेज है ऑल द प्रॉफिट्स आर सब्जेक्ट टू द ओनर। उसमें किसी की शेयरिंग नहीं होती, सारे प्रॉफिट्स जो है उस अकेले पर्सन के ही होते हैं जो उसको ओन कर रहा है। देयर इज वेरी लिटिल रेगुलेशन फॉर द प्रोप्राइटरशिप। कोई ऐसा कोई मैसिव डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क ये सब नहीं होता। कोई सर्टिफिकेशन, लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन वो नहीं करवानी पड़ती। कोई बहुत ज्यादा लॉज एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करना पड़ता। अपनी मर्जी से, अपने तरीके से आप बिजनेस को हैंडल करते हैं, बिजनेस को मैनेज करते हैं, उसको ऑपरेट करते हैं। ऑनर्स हैव टोटल फ्लेक्सिबिलिटी व्हेन रनिंग द बिजनेस। ऑनर के पास टोटल फ्लेक्सिबिलिटी होती है, टोटल कंट्रोल होता है, अपनी ईज, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वो बिजनेस को रन करता है। वेरी फ्यू रिक्वायरमेंट्स फॉर स्टार्टिंग, ऑफन ओनली अ बिजनेस लाइसेंस, कि जहां पे बहुत ही हार्डली कोई केस हो जिसके अंदर आपको कोई लाइसेंसिंग वगैरह करवानी पड़े। इट डिपेंड्स कि आपके बिजनेस का साइज कितना है। ऑब्वियसली जितना बड़ा साइज होगा बिजनेस का तो उतनी ज्यादा उसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपने फॉलो अप करना पड़ेगा, उतनी ज्यादा लाइसेंसिंग और उतनी ज्यादा। बट यूजुअली एज कम्पेयर टू द अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर ज्यादा हैजल नहीं होता डॉक्यूमेंटेशन का या रूल्स एंड रेगुलेशंस की फॉलोइंग का। डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, ऑनर इज 100% लायबल फॉर बिजनेस डेथ्स। जैसे कि ऑनर ऑल एंड ऑल होता है अपने बिजनेस का इन सोल प्रोप्राइटरशिप, तो वो जितने प्रॉफिट्स हैं उसका बेनिफिट्स तो लेता है। इन केस अगर जो लॉसेस होंगे वो भी उसको अकेले बियर करने पड़ेंगे। जो बिजनेस डेथ हैं उनका भी वो पर्सनली लायबल होगा। इक्विटी इज लिमिटेड टू द ऑनर्स पर्सनल रिसोर्सेस, कि आप जो है सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर आपके पास फाइनेंसिंग के ऑप्शन बहुत कम होते हैं। जैसा कि कॉर्पोरेशंस या कंपनीज के अंदर हम फाइनेंसिंग के लिए इक्विटी इश्यू करते हैं, शेयर्स इश्यू करते हैं, वो सब ऑप्शंस जो हैं वो आपके पास अवेलेबल नहीं होते। तो
आपके पास जो अपनी बिजनेस की फाइनेंसिंग कैसे करेंगे कि जो आपके पास पर्सनल अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन्हीं को यूटिलाइज करके अपने बिजनेस को रन करना पड़ेगा, या ज्यादा से ज्यादा आप बैंक लोन ले सकते हैं, या डेट वाली साइड के ऊपर जाके फाइनेंसिंग कर सकते हैं, बट ऑन इक्विटी साइड आपके लिए बिल्कुल ही लाइक ना होने के बराबर होती है और इक्विटी इश्यू नहीं कर सकते हैं। ऑनरशिप ऑफ प्रोप्राइटरशिप इज डिफिकल्ट टू ट्रांसफर। सिंगल ऑनर है तो जब तक वो ऑनर है, जब तक वो बिजनेस को रन करना चाहेगा, वो सोल प्रोप्राइटरशिप चलती रहेगी। इनकेस उसकी डेथ हो जाती है या उसको फर्दर रन नहीं करना चाह रहा बिजनेस को, तो तब तक वो प्रोप्राइटरशिप रहेगी, वो फर्दर ट्रांसफर नहीं हो सकती किसी को। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द पर्सनल एंड बिजनेस इनकम। सिंस सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जो आपका बिजनेस है वो आपकी पर्सनल आइडेंटिटी के साथ है, उसकी आपके बिजनेस की सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है, ये सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं है। तो अगर आपका बिजनेस लॉस के अंदर है, मींस आप लॉस के अंदर हैं, आपके एसेट्स जो है वो आपके पर्सनल एसेट्स भी लॉस के अंदर है। और इन केस आप कोई डेट्स डिफॉल्ट कर जाते हैं, कोई लोन डिफॉल्ट कर जाते हैं, तो उस केस के अंदर भी आपके जो पर्सनल एसेट्स हैं वो आपकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड नहीं रहती, वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, और आपके पर्सनल एसेट पर्सनल अकाउंट्स जो हैं वो भी कन्फिस्केट हो जाएंगे इस प्रोसेस के, इस बैंकरप्सी के प्रोसेस के अंदर। तो उसमें फिर अनलिमिटेड लाइबिलिटी का एलिमेंट जो है वो बहुत ही सीवियर एलिमेंट है, और बहुत ही एक सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप के अंदर कि जहाँ पे आपके पर्सनल एसेट्स, पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल जो भी आपके फाइनेंशियल्स हैं वो डिफॉल्ट के प्रोसेस के अंदर आपसे ले लिए जाते हैं। द सेकंड टाइप इज पार्टनरशिप। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, पार्टनरशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन, जो पार्टीज आपस में मिलके कोई बिजनेस एस्टेब्लिश करती हैं, तो उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। पार्टनरशिप में फर्दर हमारे पास दो टाइप्स हैं, जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप जो है उसमें ऑनर्स जो हैं, जो पार्टीज हैं, वो म्यूचुअल कंसेंट के साथ इन्वेस्टमेंट करती हैं और एक फिक्स रेशियो के हिसाब से वो बिजनेस को ऑपरेट कर रही होती हैं। और इसमें आपके जो पार्टनर्स हैं वो 100% लायबल हैं उस बिजनेस के जितने भी डेट्स हैं उसके लॉसेस के लिए, और लाइक वाइज प्रॉफिट की शेयरिंग भी होगी। जनरल पार्टनरशिप यूजली एक इनफॉर्मल टाइप ऑफ एग्रीमेंट होता है, इसको रिटन फॉर्म में भी नहीं है, इसको आप वर्बली किसी को भी पार्टनर बना के और अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो बेसिकली ये दो या दो से ज्यादा पार्टीज के दरमियान एक वर्बल एग्रीमेंट हो जाता है कि आप किसी भी बिजनेस को एस्टेब्लिश करते हैं और उसको रन कर रहे हैं। सेकेंड टाइप जो है पार्टनरशिप की वो है लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप एक फॉर्मल एग्रीमेंट है बिटवीन द पार्टनर्स, और जिसमें आप सर्टिफिकेट ऑफ पार्टनरशिप जो है वो हायर अथॉरिटी से, जो कंसर्न अथॉरिटी है उससे लेना पड़ता है, और रिटन फॉर्म के अंदर आपके बिजनेस की एस्टेब्लिशमेंट होती है दैट ये कुछ लीगल पार्टनर्स हैं और वो इस बिजनेस को रन कर रहे हैं। और लिमिटेड पार्टनर के अंदर आपकी पार्टनर्स की लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है, क्योंकि इसमें पार्टनर्स जो हैं वो एक फिक्स रेशियो या प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंगली उनकी ऑनरशिप होती है बिजनेस के अंदर। तो जितनी परसेंटेज ऑफ ऑनरशिप होगी उतनी परसेंटेज ऑफ लाइबिलिटी होगी उनके ऊपर, वो उनकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड हो जाती है, शेयर हो जाती है, सिंस रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हो जाती है, प्रॉफिट शेयर हो जाता है, लाइबिलिटी भी उसी तरह लॉसेस की या डेट्स की लाइबिलिटी जो है वो शेयर हो जाती है। एडवांटेजेस ऑफ द पार्टनरशिप। शेयर्ड रिसोर्सेज प्रोवाइड मोर कैपिटल फॉर द बिजनेस, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने देखा कि वो पर्सनल रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकता है। अकेला बंदा अपने बिजनेस के अंदर जितनी उसके पास अवेलेबल पर्सनल रिसोर्सेज होंगी उन्हीं को यूटिलाइज करेगा। तो इनकेस आपको फिर शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज जो है वो भी फेस करनी पड़ती है, उस कंडीशन से भी गुजरना पड़ता है। बट पार्टनरशिप का ये फायदा है कि जितने ज्यादा पार्टनर्स होंगे उतना ज्यादा उनका कंट्रीब्यूशन होगा इन्वेस्टमेंट में, उतना ज्यादा वो कैपिटल के अंदर उनका कंट्रीब्यूशन होगा, तो उतनी ज्यादा रिसोर्सेज की शॉर्टेज नहीं होगी
और जितना आपके बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल हो सकती है। सेकेंड एडवांटेज इसका ये है, ईच पार्टनर शेयर्स द टोटल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, कि जो जितना कंट्रीब्यूट करेगा उसको प्रॉफिट मिलेगा उस पार्टनरशिप के अंदर से। सिमिलरली फ्लेक्सिबिलिटी एंड सिंपल डिजाइन ऑफ प्रोप्राइटरशिप, कि पार्टनरशिप भी सोल प्रोप्राइटर की तरह एक सिंपल फॉर्म ऑफ बिजनेस है और इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। आपके पास जो दो पार्टनर्स हैं या तीन पार्टनर्स हैं या मोर देन टू पार्टनर्स हैं वो उनका कंट्रोल रहता है बिजनेस के अंदर, अपनी अपनी डोमेन में रहे कि वो बिजनेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, अपने अपने कंट्रीब्यूशन या अपने अपने प्रोपोर्शन या रेशियो इन द बिजनेस के हिसाब से वो बिजनेस के अंदर उनका कंट्रोल रहता है। इनएक्सपेंसिव टू एस्टेब्लिश अ बिजनेस पार्टनरशिप, फॉर्मल और इनफॉर्मल, तो बोथ टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप जो है वो बहुत ही इनएक्सपेंसिव पड़ती है कोई भी बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए, और उसकी इतनी कॉस्ट जो है वो बियर नहीं करनी पड़ती पार्टनर्स को। डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप्स, ईच पार्टनर इज 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेट्स एंड लॉसेस। जिस तरह पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलता है तो ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंगली जब लॉस होगा बिजनेस के अंदर तो दे आर 100% लायबल टू डेट्स, दे आर 100% लायबल टू लॉसेस, तो वो बेयर करना पड़ेगा। सेलिंग द बिजनेस इज डिफिकल्ट, रिक्वायर फाइंडिंग न्यू पार्टनर, जस्ट लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप, यहाँ भी आपको ऑनरशिप ट्रांसफर में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब तक आपकी एग्जिस्टेंस है, पार्टनर्स की एग्जिस्टेंस है, वो जिंदा है या वो बिजनेस को रन करना चाह रहे हैं तब तक पार्टनरशिप और रहेगी। इनकेस अगर इनमें से किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या कोई पार्टनर जो है फर्दर उस बिजनेस को नहीं रन करना चाह रहा तो वो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी, वो फिर बिजनेस उस पार्टनरशिप की कैटेगरी से आउट हो जाएगा या वो डिसॉल्व हो जाएगी, तो कोई थर्ड पार्टनर ढूंढने के लिए अब पार्टनरशिप जो है वो किसी को ट्रांसफर नहीं हो सकती, वो डिसॉल्व होगी, और नहीं अगर इनकेस एक पार्टनर जो है वो फर्दर रन नहीं करना चाहता तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी, और जो एक कंटिन्यू करना चाह रहा है वो किसी और पार्टनर को साथ में लेके फिर से दोबारा पार्टनरशिप बनाएगा और फिर से वो बिजनेस दोबारा रन कर सकता है, या उसको सोल अकेले सिंगल हैंडेडली भी उसको कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन फर्स्ट वो पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी और फिर वो न्यूली एस्टैब्लिश करेगा जो भी फॉर्म ऑफ बिजनेस वो अडॉप्ट करना चाहे। पार्टनरशिप एंड्स व्हेन एनी पार्टनर डिसाइड्स टू एंड इट, वो पार्टनरशिप एंड हो जाएगी अगर किसी की डेथ हो जाती है या वो डिसकंटिन्यू कर देता है उस बिजनेस के अंदर। थर्ड टाइप ऑफ बिजनेस हमारे पास है कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन जो होती है एक बहुत ही कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ बिजनेस है, और इसमें हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉर्पोरेशन है वो ये है कि एक तो आपको कॉर्पोरेशन जो है वो सेपरेट आइडेंटिटी है, आपकी पर्सनल आइडेंटिटी से ये सेपरेट है, इसको आप अपनी पर्सनल आइडेंटिटी से सेपरेट रखते हैं। सेकेंडली ये लीगल पर्सन है, एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है कॉर्पोरेशन के अंदर, और थर्ड पॉइंट ये है कि इसमें आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, आप इन केस आपका बिजनेस जो है वो डिफॉल्ट कर जाता है तो आपके पर्सनल एसेट्स, आपकी पर्सनल वैल्यूएबल्स या आपके अकाउंट्स जो हैं, पर्सनल प्रॉपर्टी, वो बिल्कुल सेपरेट है आपके बिजनेस से, उसके ऊपर इसका कोई असर नहीं होगा। तो कॉर्पोरेशन के कुछ फायदे भी हैं, कुछ इसकी लिमिटेशंस भी हैं। तो इसमें जो इसका ड्रॉबैक है या इसका मेन एस्पेक्ट है जो कि बहुत कॉर्पोरेशन के अंदर वो है ड्यूल टैक्सेशन का। ड्यूल टैक्सेशन इसलिए होती है कि एक तो एज अ बिजनेस आपको टैक्स पे करना पड़ता है, बिजनेस का टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन जब बिजनेस में आपको प्रॉफिट होता है कॉर्पोरेशन के अंदर तो वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है अमंग शेयर होल्डर्स। जब वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो जिस जिस शेयर होल्डर को प्रॉफिट मिलेगा उसकी वो अर्निंग है, तो उस अर्निंग पे भी उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। सो एज अ शेयर होल्डर इन द कॉर्पोरेशन आपको ड्यूल टैक्सेशन का को फेस करना पड़ेगा, एक तो कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ेगा और सेकेंडली आपकी अपनी जो अर्निंग है ऑन द प्रॉफिट्स उस पे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये ड्यूल टैक्सेशन का एस्पेक्ट जो है ये कॉर्पोरेशन के अंदर होता है, जबकि ये चीज हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में भी नहीं देखी और पार्टनरशिप में भी नहीं देखी,
क्योंकि पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में आपकी एक सेपरेट एंटिटी नहीं है आपका बिजनेस, आपके आपकी पर्सनल एंटिटी के साथ उसका वो सेम चीज है आपका बिजनेस, तो आप पे टैक्स भी सिंगल टैक्सेशन होगी। बट यहाँ पे सेपरेट एंटिटी है तो आपको टैक्स भी डबल देना पड़ेगा। सेकेंड एस्पेक्ट यहाँ पे जो इसका एडवांटेज कह लें या इसका बेनिफिट कह लें कॉर्पोरेशन का, वो ये है कि यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी है, जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के अंदर लिमिटेड लाइबिलिटी का एलिमेंट नहीं है, वहां पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। आपके पर्सनल एसेट्स, आपके पर्सनल वैल्यूएबल्स, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी जो है वो इन केस ऑफ लॉस ऑफ योर बिजनेस वो या इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ योर बिजनेस वो एट स्टेक हो जाती है। तो कॉर्पोरेशंस का ये फायदा है कि यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी है, यहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है। एडवांटेजेस ऑफ द कॉर्पोरेशन, लिमिट्स लाइबिलिटी ऑफ द ऑनर टू डेट्स और लॉसेस, यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी है। प्रॉफिट एंड लॉसेस बिलोंग टू कॉर्पोरेशन, जितना भी प्रॉफिट होगा वो कॉर्पोरेशन का है, जितना लॉस है वो कॉर्पोरेशन का है, वो प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है अमंग शेयर होल्डर्स। कैन बी ट्रांसफर टू न्यू ऑनर्स फेयरली एंड ईजली, इनकेस आपके कोई शेयर होल्डर जो है वो आपकी कॉर्पोरेशन का पार्ट नहीं बनना चाह रहे तो वो उसको छोड़ सकते हैं, वो किसी और शेयर होल्डर को आप एड अप कर सकते हैं, किसी को एक्सक्लूड कर सकते हैं, किसी को इंक्लूड कर सकते हैं, वो इसमें ये इश्यू नहीं होता। पर्सनल एसेट कैन बी सीज टू पे फॉर द बिजनेस डेट, इन केस आप में बिजनेस जो है आपकी कॉर्पोरेशन जो है वो बैंकरप्ट हो गई है या उसने डेट पे करना है, तो आपके पर्सनल एसेट्स जो हैं उनको यूटिलाइज नहीं किया जा सकता आपके बिजनेस के डेट्स को पे करने के लिए। डिसएडवांटेजेस ऑफ द कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेट ऑपरेशंस आर कॉस्टली, क्योंकि एक कॉर्पोरेशन जो क्रिएट होती है इसमें एक शेयर होल्डर्स कोई भी आपके कॉर्पोरेट के शेयर होल्डर हो सकता है, तो इसके लिए इसको एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत ही लेंथी प्रोसेस होता है एंड बहुत ज्यादा पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट्स, इस सबसे एक कॉर्पोरेशन को गुजरना पड़ता है, तब वो जाके एस्टेब्लिश कॉर्पोरेशन बनती है। तो एक तो इसके ऑपरेशंस कॉस्टली हैं, इसकी एस्टेब्लिशमेंट एस्टेब्लिशिंग ऑफ द कॉर्पोरेशन जो है वो कॉस्टली है। स्टार्ट अ कॉर्पोरेट बिजनेस रिक्वायर कम्प्लेक्स पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा होती है और बहुत ज्यादा टाइम एंड एफर्ट्स इसके अंदर रिक्वायर्ड होती है। विद सम एक्सेप्शन कॉर्पोरेट इनकम इनकम इज टैक्स ट्वाइस, ये जहां पे ड्यूल टैक्सेशन का एलिमेंट होता है। द फोर्थ टाइप इज लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी एक ऐसी टाइप ऑफ बिजनेस है जिसमें आपको लिमिटेड पार्टनरशिप प्लस कॉर्पोरेशन के बेनिफिट्स जो हैं वो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के अंदर मिलते हैं। और वो बेनिफिट्स क्या हैं कि इसमें जैसे कि पार्टनरशिप में हमने देखा कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, बट लिमिटेड पार्टनरशिप के अंदर लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, तो वो लिमिटेड लाइबिलिटी का एलिमेंट जो है वो आपको लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के अंदर मिलता है। सम एडवांटेजेस ऑफ द पार्टनरशिप जो है वो आपको लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के अंदर मिलती है। लाइकवाइज जो कॉर्पोरेशन के एडवांटेजेस हैं वो हमें लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज के अंदर मिलते हैं, जिसमें आपकी ये एलिमेंट कि आपकी लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड नहीं होती, लिमिटेड होती है, तो वो एडवांटेज जो है कॉर्पोरेशन का वो हमें लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के अंदर मिलता है। और जो डिसएडवांटेजेस हैं कॉर्पोरेशन के या पार्टनरशिप के वो इसमें हमें देखने को नहीं मिलते, इसमें सारे एडवांटेजेस ऑफ द पार्टनरशिप एंड एडवांटेजेस ऑफ द कॉर्पोरेशन वो मिलता है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये एक सॉर्ट ऑफ मर्ज्ड फॉर्म है लिमिटेड पार्टनरशिप की और कॉर्पोरेशन की, जिसको हम लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी कहते हैं। बट इसमें एक पॉइंट ये भी है कि ये बहुत ही ये उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, उन बिजनेस न्यूली बिजनेस सेटअप के लिए बहुत ही अच्छी टाइप है कि इस फॉर्म ऑफ बिजनेस को वो एडॉप्ट करें, क्योंकि इसके अंदर जो एडवांटेजेस ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ बिजनेसेस हैं वो हमें मिलते हैं। तो ये बहुत ही लाइक
फेवरेबल टाइप ऑफ बिजनेसेस हैं जिसको स्मॉल या मीडियम एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो इसको अडॉप्ट कर सकते हैं. एडवांटेजेस ऑफ अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी लिमिट्स द लायबिलिटी टू द कंपनी ओनर्स फॉर द डेट एंड लॉसेस, कि उनकी लायबिलिटी को लिमिट कर देते हैं. एंड द प्रॉफिट्स ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी आर शेयर्ड बाय द ओनर्स विदाउट डबल टैक्सेशन. इसमें जो हमने पढ़ा था कि कॉर्पोरेशन के केस में डिसएडवांटेजेस ऑफ द कॉर्पोरेशन है वो इस केस में हमें नहीं मिलेंगे. डिसएडवांटेजेस ऑफ द कॉर्पोरेशन एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द पार्टनरशिप वो एलिमेंट्स इसके अंदर से एक्सक्लूडेड हैं, और जो एडवांटेजेस वाले एलिमेंट्स हैं वो इसके अंदर इसका पार्ट होते हैं लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के करेक्टरिस्टिक्स में. डिसएडवांटेजेस ऑफ अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, ओनरशिप इज लिमिटेड बाय सर्टन स्टेट लॉस. कि जैसा कि हमने पार्टनरशिप में ये पढ़ा था कि आपका फुल कंट्रोल होता है ओवर द बिजनेस, जो भी जितने भी पार्टनर्स हों, या इवन सोल प्रोप्राइटरशिप में आपका कंट्रोल होता है. ऑनरशिप आप अपने हिसाब से ऑपरेशंस को कंडक्ट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं अपने बिजनेस को. बट यहाँ पे आपकी ऑनरशिप जो है वो लिमिटेड होती है बाय सर्टन स्टेट लॉज, के जो भी कंट्री लॉज हो या कंपनी लॉज हो अकॉर्डिंगली आपकी ऑनरशिप जो है वो लिमिटेड होती है. एग्रीमेंट्स मस्ट बी कम्प्रीहेंसिव एंड कम्प्लेक्स. सिंस द लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी इज अ सॉर्ट ऑफ मर्जर ऑफ पार्टनरशिप एंड कॉर्पोरेशन, सो इसका कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ बिजनेस है, तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है या इसके एग्रीमेंट्स जो हैं वो भी कम्प्रीहेंसिव और कम्प्लेक्स होते हैं. बिगनिंग एंड लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी हैज हाई कॉस्ट ड्यू टू द लीगल एंड फाइलिंग फीस. तो इसकी कॉस्ट भी है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप के, कि इसकी लीगल या फाइलिंग केस या रजिस्ट्रेशन फी, तो डॉक्यूमेंटेशन इसकी कॉस्टली है. लाइकवाइज इसकी एस्टेब्लिशमेंट में आपको इसकी कॉस्ट ज्यादा बढ़ती है. सो ये कुछ बेसिक टाइप्स ऑफ बिजनेसेस थे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कोई भी एंटरप्रेन्योर जो कि अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो उसको इन टाइप्स ऑफ बिजनेस की नो हाउ होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि कौन सा बिजनेस उसको या उसकी बिजनेस स्ट्रक्चर को सूट करता है कि वो इसको अडॉप्ट करे. इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन क्यूरीज हो यू आर मोस्ट वेलकम. थैंक यू.